क्या चल रहा है इसमें केश वाला AKA थकेशन। आज हम लोग देख रहे हैं राणा नायडू ट्रेलर नेटफ्लिक्स पे, देखते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अपने राणा डग्गुपति आए बहुत टाइम बाद, लेट्स सी। हेलो, बड़ा कांड हो गया है, फट रही है राणा, प्लीज तुम्हें सॉर्ट कर सकते हो। अच्छा राणा भाई, सॉर्ट सुपारी लेने वाले आदमी लग रहे हैं मेरे को, ये जरूरत है सॉर्टिंग का। पता है, कोई भी सेलिब्रिटी को प्रॉब्लम होता है सबसे पहले तेरे को फोन जाता है। ओके, फिक्सर फॉर द स्टार्स। अच्छा राणा रघुपति का ये OTT डेब्यू है ना, इतना मेरे को दिमाग में है, आई थिंक OTT डेब्यू है। इसके पहले OTT किया तो मेरे को कमेंट से बताओ। अरे बहुत गलत जगह पे पॉज किया है मैंने, थोड़ा बगल थोड़ा लेट होगा, कुछ तो अर्जेंट आ गया है। तुम पक्का सीक्रेटली हमारे PM तो नहीं हो? आए स्माइल देख रहे हो लड़के की, यू कैन फिक्स एवरीथिंग। ओके राणा नायडू नाम हर दूसरे बार हमारे टूटे दिल को फिक्स कर सकते हो क्या राणा भाई? हॉलीवुड स्कैंडल में आता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर राणा जुड़ा है तो स्कैंडल बड़ा है। फिक्सर है, जुगाड़ू आदमी है। राणा को देख के नहीं लगता इसकी लव लाइफ भी सॉर्टेड होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी सॉर्टेड होगी। वो दोस्त नहीं होते जिसके पास तुम लोग प्रॉब्लम लेके आओगे तो तुम लोग को मालूम है इसके पास कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। बेसिकली हम जेठालाल है, राणा भाई तारक मेहता है। क्या है, हमको ऐसा दोस्त मिला ही नहीं, हमको ऐसे दोस्त मिले जो प्रॉब्लम में डाल के जाते हैं उल्टा। नाना को जेल से छोड़ दिया, दो दो डग्गुपति एक मूवी में, वेंकटेश अन्ना लेट्स गो भाई। नेटफ्लिक्स तगड़े तगड़े लोगों को लेके आ रहा है, इनका भी OTT डेब्यू है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो भाई गलत रहेगा कमेंट में बता दो। ऐसा कैसे छोड़ दिया उसको, 5 साल और है जेल में। ओके नाइस भाई, पिक्चर मालूम मैं क्या करा, गोली मार के आ रहा हूँ। माय लाइफ में जो भी अच्छा बुरा किया ये फैमिली के लिए किया डैडी, लेकिन शायद छोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सिटी मारना आता तो मारता, लेकिन क्या डायलॉग है भाई, हर सिंगल लौंडा जिसको अपना प्यार नहीं मिला ना वो यही डायलॉग मारेगा, जोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। राणा को जानता नहीं क्या तू, गुस्सा भरा पड़ा उसके अंदर, और एक बार उसे पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। सांप है उन्हें ना, एक मौका मिला एंड ही विल डिस्ट्रॉय आवर फैमिली, दैट्स व्हाट ही डज। तेरे को इधर नहीं आना चाहिए था नागा। नाना नहीं बोलेगा मेरे को, बाप तेरा। वो भाई बाप है इसमें, जब बाप कांड करके जेल में गया बेटा बाहर घूम रहा है। राणा इज लाइक भाई मैं दुनिया की सारी प्रॉब्लम फिक्स करूंगा, तू जेल में बैठ प्लीज। इसने बोर, यस लेट्स गो। ओ सुशांत सिंह और सुवरीन दोनों है, व्हाट इज दिस, हेड स्टोरी की याद आ गई मेरे को, मैंने नहीं देखी थी हेड स्टोरी। ओके प्रोमो देखे थे मैंने, आगे बढ़ते। इन फैमिली ये नित्या मेरे को ये मोमबत्ती का स्टोरी बताई, बोली ये वाला फैमिली के लिए है, अभी एक काम कर तू इसको कांड में डाल ले। भाई ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था, इमेजिन ये चीज एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है। ये देखो ये रियलिटी होती है, ये केमिस्ट्री होती है, ये रियल इंडियन फैमिलीज में होता है। ये रेगुलर मूवीज में बताते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा ना, ना। ये है असली सिनेमा नहीं, बट एक्चुअली मैंने ऐसे फादर सन डुओ देखे मेरे फ्रेंड्स के भी, ऐसे बात करते ना, हमने बात कर दिया तो हमारा वो कुंग फा या कुंग वाला ट्रेंड हो जाएगा। आशीष विद्यार्थी भी है इसमें, आज भी आशीष विद्यार्थी को देख के भाई बचपन में एज अ विलन इतना डरा है ना। पैदा होने के बाद 5 साल तेरी कांड साफ करा मैं, मेरे को मालूम उधर कितना कुर्ता है कितना गू है। भाई ये डायलॉग ना सिर्फ एक बाप अपने बेटे को बोल सकता है, और दुनिया में कोई रिलेशन किसी को कुछ बोल नहीं सकता, बाप अपने बेटे को। कुछ ही बोलो भाई, डायलॉग्स चुम्मेश्वरी है, मतलब वेंकटेश अन्ना ने एक ही लाइन में बोल दिया देख बाप बाप होता है। ठीक है ये डायलॉग सब बाप लोग को लिख के लेना मांगता है, हर बाप का माइक ड्रॉप मोमेंट है ये। कभी आ रहा है ये 10th मार्च, लेट्स गो।
यार भाई नेटफ्लिक्स लेके आता है यार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, बट काफी फ्रेश कंसेप्ट लग रहा है मेरे को। बहुत ही मंजे हुए कलाकार लिए सारे आशीष विद्यार्थी राणा रघुपति वेंकटेशन ना सुव्रीन है ऑफकोर्स। थोड़ा थ्रिल लग रहा है, थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, अभी क्या है वो देखने के बाद मालूम पड़ेगा मेरे को। अभी ये बिंज करना पड़ेगा मेरे को। राणा भाई सारे बॉलीवुड स्कैंडल फिक्स कर रहे हो, हमारा स्लीप शेड्यूल तो फिक्स नहीं होने वाला है अभी। मजा तो आएगा देख के, आप लोग भी देखो भाई। 10 मार्च को आ रहा है ना, कभी आ रहा है? यस 10 मार्च। तुम लोग को भी मैं जब 5 साल के थे ना तब से जानता हूँ। सब लोग देखो एंड कमेंट से बताओ मेरे को ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।